नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का कुछ हिंदी पर। मैं हूं अवनि सिंह। तो सबसे पहले बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज बालिका दिवस, बेटा हो या बेटी, सभी एक समान होते हैं। तो बालिका दिवस के मौके पर मैं बताऊंगा कि आखिर बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। 24 जनवरी को हर साल कन्या दिवस या फिर बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और संवेदनाएँ व्यक्त करना होती है। क्योंकि कन्या दिवस मनाना तो ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कन्या दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई आखिर, क्योंकि हमारा समाज बालिकाओं को कमजोर समझता है। आज भी भारत में तमाम ऐसी सोच के व्यक्ति होंगे, परिवार यहाँ तक कि समाज मिल जाएंगे, जो बालिकाओं को कमजोर समझते हैं, अभिशाप समझते हैं। और जब कन्या इन घरों में जन्म लेती हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। इन्हीं दूषित मानसिकताओं के लोगों को कन्याओं की ताकत व कन्याओं की अहमियत को जगाने के लिए इस राष्ट्रीय कन्या दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है, आखिर 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया, इसी दिन इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस को नारी शक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। इसका प्रथम उद्देश्य लोगों को बालिकाओं के प्रति व्याप्त भ्रांतियां दूर करना, जागरूकता फैलाना और कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। जहां एक तरफ देश में नवरात्रि जैसे धार्मिक अवसर पर कन्याओं को पूजा जाता है, तो दूसरी तरफ बेटी के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती है, तो बेटे के जन्म पर बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं। देश के बहुत सारे स्थानों पर बच्चियों को अभिशाप माना जाता है। अब एक बार देश की जनसंख्या पर अगर नज़र डालें तो भारत में 1000 पुरुषों पर मात्र 940 महिलाएं हैं। यहीं कुछ राज्यों में जैसे चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान की बात करें तो वहां पे 850 के करीब महिलाओं की संख्या है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर इतनी कम महिलाएं होंगी तो कई सारे पुरुष ऐसे होंगे जिनकी शादियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि लोग लड़कियों को बहुत समझते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाई से भी दूर रखते हैं। लोगों की यह सोच, लड़कियां नहीं लड़के ही उनके बुढ़ापे में काम आएंगे और लड़कियां सिर्फ काम करने के लिए ही होती हैं। लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत सारी बाधा है। आज देश में शैक्षिक स्तर लड़कियों का लड़कों के मुकाबले काफ़ी कम है, जबकि कई सारे ऐसी एग्जाम्स हैं जिसमें लड़कियां टॉप भी कर रही हैं। लेकिन जहां लड़कों का शैक्षिक स्तर 82% है पूरे इंडिया में, वहीं लड़कियों का शैक्षिक स्तर सिर्फ 65% है प्रेजेंट टाइम में। मेरा भी एक छोटा संदेश है, लड़की हो या लड़का, सभी एक समान होते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। बस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए सब लोग लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।